हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सबसे बड़ी अदालत ने अतिक्रमण हटाने के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कोर्ट के निर्देश के मुताबिक करेंगे काम। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया था अतिक्रमण हटाने का फैसला। रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर बन चुके हैं करीब 4000 घर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रातों रात 50,000 लोग कहां जाएंगे। बनफूलपुरा इलाके की गफूर बस्ती के लोगों ने कोर्ट के आदेश के बाद ली राहत की सांस। जोशीमठ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग। मशाल जुलूस निकालकर लोगों ने किया एनटीपीसी योजना का विरोध, प्रोजेक्ट की वजह से जमीन धंसने का आरोप। जमीन फाड़कर निकलने वाले पानी का जलस्तर कल से हो गया डबल, जगह जगह निकल रहा है पानी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा है शिफ्ट, सुरक्षा के लिहाज से खाली कराए गए 35 मकान। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक। जोशीमठ में एशिया का सबसे लंबा रोपवे पर्यटकों के लिए किया गया बंद, टावर नंबर 1 के पास धंसी जमीन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 111वां दिन, उत्तर प्रदेश में यात्रा का आखिरी दिन। आज शाम भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के पानीपत पहुंचेगी। हरियाणा में 4 दिन चलेगी यात्रा। कल पानीपत में यात्रा के दौरान कांग्रेस की विशाल रैली, कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की 11 जनवरी को पंजाब में एंट्री, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचकर खत्म होगी यात्रा। समय शिखर को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा जैन समाज की मांग सही, संसद में उठाऊंगा समय शिखर का मामला। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा पहुंचे, बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत। त्रिपुरा के धर्मनगर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी, मुख्यमंत्री माणिक शाह भी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से कर्नाटक के 2 दिनों के दौरे पर, तुमकुर में शक्ति केंद्र प्रमुखों के साथ बैठक। कर्नाटक यात्रा में नड्डा कई रैलियां करेंगे और मठों में भी जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आज ज्ञानवापी मामले में कथित शिवलिंग की पूजा से संबंधित याचिका पर सुनवाई। वाराणसी के कई अदालतों में चल रहे ज्ञानवापी से संबंधित आधा दर्जन मुकदमों को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर किए जाने पर सुनवाई। बिहार में 2-2 सियासी पदयात्राएं, मुख्यमंत्री नीतीश की समाधान यात्रा के बीच कांग्रेस की भी पदयात्रा। पदयात्रा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे। कांग्रेस पार्टी की 1200 किलोमीटर लंबी पदयात्रा बांका से शुरू होकर गया में खत्म होगी, 17 जिलों को कवर करेगी। कांग्रेस की पदयात्रा में जेडीयू शामिल नहीं होगी। महागठबंधन की प्रमुख पार्टी आरजेडी ने भी अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं। पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई ये यात्रा 7 फरवरी तक चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुंबई में रोड शो, राज्य में निवेश के लिए कारोबारियों को देंगे न्योता। पंजाब में नौकरी के बाहर 4000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, सभी की शिक्षा विभाग में होगी तैनाती। कोलकाता में अमेरिका से लौटे 4 कोविड मरीज हुए ठीक, कोरोना के नए वेरिएंट के थे संक्रमित। देश में आए कोरोना के 188 नए केसेस, कोरोना से रिकवरी रेट 98.8%। देश में फिलहाल कोरोना के 2500 से ज्यादा एक्टिव केसेस, 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन के मोर्चे पर गुड न्यूज, टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ के पार। वाटर विजन एट 2047 पर जल मंत्रियों की बैठक, देशभर के जल मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने कहा, देशभर में अमृत सरोवर बनाने का काम लगातार जारी, जल जीवन मिशन को सफल बनाने का जरूर। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जल संचय पर अभूतपूर्व काम हो रहा है, जनभागीदारी से योजना सफल होती है। साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती। जो सरकार में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। वाटर विजन पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा, जल जागरूकता महोत्सव का हो सकता है आयोजन। दिल्ली में आज से राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, 3 दिनों का यह सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और निरंतर आर्थिक विकास को हासिल करने पर केंद्रित। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, डिजिटल इंडिया विजन को सराहा, कहा दुनिया को दिखाएंगे रोशनी। कंजावला केस में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मामले में शामिल हैं 2 और लोग तलाश जारी। कंजावला कांड के आरोपियों की आज चपेशी कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है पुलिस। पुलिस कंजावला केस के आरोपियों की करवा सकती है लाए डिटेक्ट टेस्ट, पूछताछ में अलग अलग बयान दे रहे हैं आरोपी। कंजावला केस में पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है अंजलि का परिवार, उठाए सवाल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज, जवानों ने ठंड के बीच की रिहर्सल। असम के गुवाहाटी में ईस्टर्न फ्लेम रन का आयोजन, बच्चों के डांस ने बांधा समा। लक्ष्य 24 परगना पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कपिल मुनि मंदिर में की पूजा अर्चना। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की सराहनीय पहल, मरीजों को बांटा जा रहा है फ्री में दवाएं। भोपाल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन। यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, आज से शुरू हुई गोवा के मोपा एयरपोर्ट से उड़ान। दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। यात्रियों में एयरपोर्ट को लेकर खासा उत्साह, सेल्फी लेते नजर आए यात्री। मोपा एयरपोर्ट पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, यात्रियों से मिलकर जाना सुविधाओं का हाल। आज दिल्ली से पहली इंडिगो फ्लाइट पहुंची मोपा एयरपोर्ट, शुरुआती दौर में इस हवाई अड्डे में से चलेंगे 200 से अधिक फ्लाइट्स। श्रीनगर में डल झील के संरक्षण की पहल, मशीन की मदद से की जा रही है सफाई। 20,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर रामेश्वरम पहुंची महिला, महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। मणिपुर के इंफाल में गान नगाई महोत्सव की धूम, लोगों ने किया जबरदस्त डांस। पाली में जमहूरी प्रदर्शन को लेकर खास तैयारी, लोगों का वेलकम। दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस की आयोजन किया गया, लोगों ने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर चल रहे काम का निरीक्षण किया, 16,730 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है एक्सप्रेसवे। दिल्ली में ई कॉमर्स सम्मेलन का आयोजन, लोगों को ई कॉमर्स के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कानपुर में कोहरा के साथ लगातार जारी शीतलहर का प्रकोप। बठिंडा में जबरदस्त सर्दी ने बढ़ाई बच्चों की समस्या, भारी संख्या में बच्चे हुए बीमार। यातायात पर देखा कोहरे का असर, उत्तर रेलवे क्षेत्र में देरी से चल रही हैं 12 ट्रेन। पठानकोट में बढ़ती सर्दी के बीच प्रशासन की सराहनीय पहल, जरूरतमंदों को बांटे कंबल। गोरखपुर में शीतलहर का प्रकोप, देवी देवताओं को पहनाए गए गर्म कपड़े। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम, लोगों की बढ़ गई परेशानियां। हमीरपुर में 5 डिग्री तक पहुंच गया तापमान, ठंड में भी जानवरों से फसल की रखवाली करते नजर आए किसान।
कान्हा की नगरी मथुरा में भी जारी है ठंड का प्रकोप, लोगों की बड़ी मुश्किलें। मेरठ में कोहरे और शीतलहर का लुढ़का पारा, ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। करौली में कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार में नजर आईं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में माइनस में पहुंच गया तापमान, लोगों की बड़ी परेशानी। ट्रेन के पायदान पर बैठकर यात्रा करते दिखे अभिनेता सोनू सूद, उत्तर रेलवे ने लगाई फटकार। वैष्णो देवी के मंदिर पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद दिया। ओडिशा में इन दिनों एफआईएच मेंस हॉकी विश्व कप को लेकर तैयारियां तेज, एयरपोर्ट पहुंची चिली की हॉकी टीम। कुलगाम में बना साउथ कश्मीर का सबसे लंबा सड़क पुल, सेवा के लिए लगभग तैयार, अगले महीने से यात्रियों के लिए खोला जाएगा। आज से लेकर 8 जनवरी तक बंद रहेगा नासिक का त्र्यंबकेश्वर देवस्थान, मंदिर में चल रहे निर्माणाधीन कार्य। केदारनाथ में जनवरी महीने में भी नहीं हो रही है बर्फबारी, पिछले साल अब तक धाम में जमी रहती थी मोटी चादर। भोपाल में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 28वें आईईएस डीजियाना इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। भारत श्रीलंका के बीच आज दूसरा T20 मैच शाम 7 बजे लाइव। कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने पहले मैच में कमाल कर दिया था, पहले T20 मैच 2 रनों से भारत ने अपनी झोली में दर्ज। भारत श्रीलंका वनडे सीरीज के लिए दिग्गजों की हुई वापसी, कोहली रोहित शमी बने टीम का हिस्सा। बॉलर्स में भी कई नाम शामिल, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह को मिला मौका। शुभमन गिल पर होगी क्रिकेट प्रेमियों की नजर, गिल तेजी से रन जुटाकर सलामी बल्लेबाजी के रूप में अपना दावा मजबूत कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से चीन पर साधा निशाना, WHO ने दावा किया कि चीन छिपा रहा है मौत के आंकड़े। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने दुनिया की बढ़ा दी चिंता, इन दिनों हालात बद से बदतर हो चुके हैं, मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा फैसला, चीन से आने वाले सभी यात्रियों को दिखाना होगा कोरोना की रिपोर्ट। 6 बार वोटिंग के बाद भी नहीं चुने जा सके अमेरिकी संसद में स्पीकर पद के उम्मीदवार केविन, माना जा रहा है कि आज 7वीं बार भी इस पद पर चुनाव के लिए हो सकता है मतदान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई भारतीय अमेरिकियों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर फिर से नियुक्त किया। अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले के लिए गुड न्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वीजा अपॉइंटमेंट का इंतजार, जल्द से जल्द आपको मिलेगा कब। क्यूबा में अमेरिकी दूतावास में वीजा और महावाणिज्यिक दूतावास संबंधी सेवाएं 5 साल बाद फिर से शुरू। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान, TTP लगातार कर रहा है आतंकी हमला, TTP ने पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी के नेताओं पर हमले की चेतावनी दी। इमरान खान ने लाहौर उच्च न्यायालय में दायर की याचिका, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ECP को पार्टी अध्यक्ष कार्यालय से हटाने की प्रक्रिया को रोकने की मांग। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का भव्य स्वागत। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, 10 फरवरी को होगा रिलीज। 22 साल पहले आई फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 जल्दी होगा रिलीज, हालांकि इसकी रिलीजिंग डेट अभी तय नहीं। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने साल 2023 में OTT पर धमाल मचाने के लिए कसली कमर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेब सीरीज कॉल मी बे के नाम से करेंगी शुरुआत। वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर जल्द हो रही है रिलीज, वेब सीरीज के जरिए बॉलीवुड एक्टर अभय देओल कमबैक करेंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार जेरेमी बर्फीले तूफान के हो गए थे शिकार, इलाज के दौरान इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया।